आज हम ऐसे रियलिटी शो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ना सबसे हटकर है और सबसे यूनिक है और सबसे डिफरेंट शो है। इंडिया टेलीविजन शो, ऐसा शो कभी नहीं देखा होगा आपने, ना ऐसा शो बना है ना कभी बनेगा। उस शो का नाम है लोका, बिग बॉस की सस्ती कॉपी। उसमें और इस शो में कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे हार्ट हो रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है मुझे, हार्ट हो रहा है, हार्ट हो रहा है। ये हमारे साथ क्यों होता है, ये हमारे साथ क्यों होता है, देख रहे हो सस्तेपन का ना हदें पार कर दी इन लोगों ने। और लोकअप की होस्ट है कंगना रणावत, जो ना सलमान खान की पूर्ति पूरी कर रही हैं। एक ऐसी जगह जहां रहना किसी सपने से कम नहीं, बुरे सपने से कम नहीं। अगर सपनों में भी ना ये शो आ गया तो इससे बुरा क्या होगा, किसी ने भी इतना बुरा नहीं सोचा था बॉलीवुड छोड़ने के बाद ये शो होस्ट करोगे। पूरी दुनिया हिल गई है, ये कंगना एक रियलिटी शो कर रही है। बाहर पूरी दुनिया हिल रही है, कंगना रियलिटी शो कर रही है। बाहर पूरी दुनिया हिल गई है, ये कंगना एक रियलिटी शो कर रही है। बाहर की दुनिया का तो पता नहीं, मगर इस शो में दिखाए गए कंटेंटेंट्स देखकर ना बहुत कुछ हिलने वाला है तुम्हारा। क्या बोला तूने? मानसिक संतुलन हिलने की बात कर रहा हूँ, नहीं तो तुम ना मेरी बातों को भी ना अलग टोन में ले लोगे। फिर कितना गंदा आदमी हूँ मैं। ऐसे घटिया कंटेंटेंट्स को इनको बुलाया है, इनको ना बख्शियोदियों के ना अवार्ड देने चाहिए। अब तुम इन मैडम को ही देख लो। ये है अंजलि, ये है अंजलि। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भूल जाओ, मैं ये होने नहीं दूंगा। दीवाना सा हाल हुआ, अरे हमको तुमसे प्यार हुआ। इस अंजलि के सामने ना पतंजलि के ना प्रोडक्ट फेल हो जाएंगे। लेकिन लोगों का इन पर ये आरोप है, ये किस चीज की इन्फ्लुएंसर है कोई नहीं बता पा रहा। क्या ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है या मेकअप या फूड नॉन आइडिया? ना तो ट्राई फूड इन्फ्लुएंस है, ना तो मेकअप इन्फ्लुएंस है, और ना ही फूड नॉन इन्फ्लुएंस है। ये है द लेजेंड कच्चा बादाम। कि आप की इतनी ज्यादा फॉलोइंग है जितनी की कुछ यूरोपियन कंट्रीज की पॉपुलेशन है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, मुझसे ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं, मुझसे ज्यादा लोग इनको फॉलो करते हैं। माना कि तुमसे ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, मगर तुमने रियल लाइफ में कांड भी तो बहुत किए हैं, और इस शो में एक राज भी तो बताना पड़ता है। आप अपना राज बताइए। अरे राज बताने को बोला है, चलम फूटने को नहीं। दिसंबर में मैं रशिया गई थी। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो मैं दुबई चला गया और अब जाके दिखाऊं ना रशिया, जब मान के दिखाऊं। ऐसी इलाकों में रूस की बमबारी जारी है। मेरा अभी तक कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। सो एक ये अट्रैक्शन थी रिसेप्शनिस्ट के साथ, ये मेरे शायद किसी ना दोस्त को पता ना मेरी फैमिली को पता, मतलब सिर्फ मुझे ही पता ये चीज़। मैंने रिसेप्शनिस्ट से 5000 रूबल्स लिए थे, सैटरडे नाइट थी वहाँ पर, मेरे को जस्ट पैसे चाहिए थे तो मैंने मांग लिए और उसने दे भी दिए। ये रास्ता क्या, मैंने सोचा कुछ सगड़े ही राज बताएंगी मैडम। इसको पार्टी नहीं कहते? इससे बड़े बड़े राज तो हम चौथी क्लास में करके बैठे थे। मैडम इंप्रेशन तो ऐसे दे रही है जो बीएमसी वालों ने इसका भी घर तोड़ा हो। मुझे क्यों तोड़ा? शो शुरू होने से पहले बोला था थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं होगी, पूरा संडास खुला रहेगा और संडास को भी दरवाजा नहीं होगा। जेल में और प्राइवेसी नहीं? प्राइवेसी नहीं का क्या मतलब, वॉशरूम में दरवाजे तो जरूर होंगे। माय डियर पैसू, डोर भी नहीं है। जब शो शुरू हुआ था ना, जब पता चला 101 एकड़ का सिर्फ एक बाथरूम है। वो भी इतना बढ़िया संडास, वो भी जेल में। सोशल मीडिया पर तो ये हकते थे, मगर ये एक रियलिटी शो के संडास में भी आगेंगे। संडास की क्या हालत होती है संजू दादा से पूछो। दादा पॉट से पानी आ रहा है, दादा प्लीज हेल्प। इस शो में एक आशिक भी है जो हर 2 मिनट में ना किसी से भी प्यार हो जाता है। मुझे बिलीव नहीं हुआ।
पागल लड़के, प्लीज रो मत यार। तेरे दो दिन के प्यार में इतना कटा है, और लोगों के ना 10-10, 5-5 सालों के जो होता है ना, जब उनका कितना कटता होगा। और टीआरपी पाने के लिए इतनी खतरनाक ओवर एक्टिंग आशिक की, वो भी बिल्कुल चुप। हाथ पकड़ ले, अभी तेरा हो सकता हूँ मैं, भीड़ बहुत है इस मेले में, खो सकता हूँ मैं, पीछे छूटे साथी मुझको याद आते हैं, वरना इस दौड़ में सबसे आगे खो सकता हूँ मैं, और एक मासूम सा बच्चा मुझ में अब तक जिंदा है, छोटी छोटी बातों पर भी रो सकता है। वाह मेरे गरीबों के मिर्जा गालिब, छोटी छोटी बातों पे भी ये बच्चा रो सकता है। वाह, और एक मासूम सा बच्चा मुझ में अब तक जिंदा है, छोटी छोटी बातों पर भी रो सकता है। ऐसे शायरी सुनाएगा ना वो किंडर जो देख के ना, तेरे को ना बच्चा समझ लेगी। पूनम पर जनता ने आरोप लगाया है कि ये एडल्ट फिल्में बनाती हैं और उनको प्रमोट करती हैं। मैं एडल्ट फिल्म नहीं बनाती हूँ, मैं एरोटिका फिल्म बनाती हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं। जैन बोलो या एमसी बोलो, बात तो एक ही है ना पूनम जी। मैं एडल्ट फिल्म नहीं बनाती हूँ, मैं एरोटिका फिल्म बनाती हूँ। माना कि तुम्हारा नाम पूनम है, पर तुम बीवा मूवी की ना अमृता मत समझो, इसको ही तो नेक्स्ट लेवल की ना ओवर एक्टिंग बोलते हैं। दो अनजाने अजनबी। अभी उड़ती उड़ती खबर आई है, मुनावर फारूकी अंजलि पर पिघल गया। सख्त लड़का फिसला लड़की की हंसी पर, मुनावर का हो गया अंजलि से प्यार। क्या बात है फारूकी मियां, आते से ही कांड शुरू कर दिया। रियल लाइफ में कांड किया तो किया, मगर शो को भी नहीं छोड़ा कांड करने में। फालतू का खाली खोटा, कुछ भी कोई खाली का खोटा नहीं है, ये भी देख तेली असली। मुनावर ने कर दी एक ऐसी नॉटी हरकत, अंजलि बोली बेशरम कुछ तो शर्म करो। अरे शर्म करो साला, कुछ भी कहो, इस शो में ना मुनावर फारूकी मजे ले रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। वैसे भी टिकटॉक लोग 10 सेकंड ही रहते। इतना इतना कंटेंट नहीं बना सकते तुम लोग, 10 सेकंड 15 सेकंड बस। तो बस करो यार, इससे ज्यादा मैं ना ये शो नहीं झेल सकता। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, और जो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो पर।